कोई भी बात, कोई खबर आपके पास आए तो उसकी तहकीक कर लिया करें और तस्दीक भी उसकी ज़रूरी होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जो आगे बढ़ाते हैं, इस वक्त हमारे साथ आज हम स्टूडियो में एक नई शख्सियत के साथ मौजूद हैं, लैया की एक मारूफ सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा, बाप, चचा सारा जो अपना एक मकाम रखते हैं लैया में, सियासत में एक अच्छा नाम और मकाम रखते हैं। अब वो ख़ुद भी अमली तौर पर सियासत में कदम रख चुके हैं, नौजवान क़यादत हैं और अपने बाप दादा की सियासत के आगे बढ़ाने का मिशन रखते हैं। नादरीन, नियाज जखड़, जो कि नियाज अहमद जखड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा MNA, उनके फर्जंद जनाब मलिक अवैस अहमद जखड़ साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे इनकी सियासत, लैया की सियासत, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये आगे जो सियासत में इन्होंने कदम रखा है, इनका क्या इरादा है और कौन से हलके से और कौन सी MNA की सीट या MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अवैस भाई, पहले सबसे पहले तो मैं आपको NNews की टीम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ और सारी आवाम का भी यही समझती है कि जो एक अवामी नुमाइंदा है उसे क्वालिफाइड होना ज़रूरी है उसका, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे जो अक्सर नुमाइंदे हैं वो कम तालीम याफ्ता हैं। आपकी तालीम क्या है? जी, मेरी बैचलर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में है, सॉरी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। उसके बाद मेरी MPhil है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। अच्छा सही, सियासत में आने का आपने, ज़ाहिर है आपके बाप दादा तो सियासत में हैं ही, थे ही, अब भी हैं माशाल्लाह आपके वाले साहब, आपको क्या ऐसा लगा सियासत में जिससे कि आपको आना चाहिए, कि दिलचस्पी कैसे हुई? देखिए जी, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हुए और साथ ही इस मुआशरे का शहरी होते हुए, जो भी इस इलाके की जो कमी है, जो भी इस इलाके की महरूमियाँ हैं, हर इंसान नोट करता है। हर इंसान उस माशरे में उन महरूमियों का खात्मा करने की कोशिश करता है। तो इसी लिहाज से, इसी मकसद के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो अपने माशरे की महरूमियाँ हैं, अपने इलाके की महरूमियाँ हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा। तो इस वजह से मैं अपना ये मिशन आपको बताता चलूँ कि मैं अपने इलाके की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए सियासत में, अमली सियासत में आ चुका हूँ। मैं आपको एक प्लेटो जो अफलातून जिसको कहते हैं, उसके कोटेशन कोट करूँगा कि वन ऑफ द बिग ब्लंडर्स फॉर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स इज़ दैट यू एंड अप बीइंग गवर्न्ड बाय योर इन्फीरियर्स। तो मतलब इसका ये है कि अगर आप ज़िंदगी के हर हालात में, मतलब सियासत तो करनी पड़ती है, करनी अगर आप पड़ती है। सियासत में नहीं आते तो जो नाअहल लोग हैं वो सियासत में आते हैं, जो कि इस माशरे के लिए नासूर हैं, हमारे माशरे के लिए, हमारे इलाके के लिए, इस सियासत के लिए भी नासूर हैं। तो इस वजह से एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते भी मैं अपने आप को ये अहल समझता हूँ कि मैं अपने इलाके की आवाज़ जो ऐवान-ए-बाल है उसमें बुलंद कर नहीं, सकूँ। आपके वाले साहब इस सियासत में अभी भी, वो MNA, आपके दादा भी जो थे वो भी सियासत में थे और जी बड़ा नाम था उनका पीपल्स पार्टी में, जी तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपके दादा जो जी जो पीपल्स पार्टी हमारे का जखड़ हिस्सा थे उसमें। ख़ानदान की सियासत है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन से पहले से चली आ रही है। तो पार्टीशन से पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी या जो भी यहाँ पे काउंसिल थी, उसमें चेयरमैन थे मेरे जो कादर बख्श साहब हैं, मेरे दादा अबू। उसके बाद 52 में वो पहली दफ़ा MPA बने थे। 52 से लेकर टिल डेथ वो हमेशा पॉलिटिक्स में रहे और लास्ट टाइम उन्होंने जो 70 70 शायद 77 में था, वो तब MNA बने थे। 62 में वो बतौर वजीर रहे हैं। उनके पास तकरीबन शायद 6 या 7 वजारतें थीं, जिसमें फॉरेस्ट, लॉ, एग्रीकल्चर, पावर और इस तरह से 2-3 और भी जो वजारतें थीं वो उन्हीं के पास थीं। अच्छा माशाल्लाह, हमने सुना था कि जब वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे तो जुल्फकार भुट्टो साहब जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे लैया में उनके पास, क्या सच है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता थे, तो इस वजह से भी उनके पार्टी में अच्छे मुरासिम होने की वजह से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से, तो इस वजह से वो वाकई यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, आपने कहा कि आप लैया की आवाम की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो अब तक आवाम को नहीं मिला वो उनको देना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो आपके वाले साहब भी सियासत में हैं और रहे हैं, आपके दादा भी सियासत में, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने वो आवाम की महरूमियाँ दूर नहीं की जो आप दूर करना चाहते हैं? देखें जी, उन्होंने भी बिल्कुल किए हैं। जो हमारे आबाओ अजदाद सियासत करते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल महरूमियाँ इस इलाके की दूर किए। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से जो आबादी बढ़ रही है, इसी तरह से साथ साथ लोगों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों के मसाइल हल करें, जो इलाके के महरूमियाँ हैं वो ख़त्म करें हम। आप पिछले अदवार के साथ कंपैरिजन कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर हमारे यहाँ पे इलाके में तरक्की हुई है और अभी भी तरक्याती काम हो रहे हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब का कोई मतलब इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो वो लिया की आवाम के लिए लाए हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप 2006-07 में हम लिया के लिए स्वी गैस लेकर आए थे, तो उसके बाद अब जो इस दफ़ा हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं अब उसके अंदर आपको पता होगा पिछले दिनों जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का यहाँ पे बकायदा वो वादा करके गए और अनकरीब इंशाल्लाह उसके ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो जाएगी। उसके साथ साथ हम सिर्फ ये तालीम के महकमे में भी नहीं, हम आपको ये बताएं कि तकरीबन 10 से 15 BHUs जो है RHC लेवल के ऊपर हम अपग्रेड करवा रहे हैं। तो हम तकरीबन शोबे हर शोबे में हम तकरीबन पैरेलल काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से भी मजीद ये दुआ है कि हमें मजीद इसी तरह से लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता करें। आमीन आमीन। अच्छा, आपके वालिद साहब ने किस पार्टी से सियासत का आगाज़ किया? जी पहली दफ़ा तो उन्होंने 85 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था लेकिन तब आज़ाद थे, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रही हैं। तो उसके बाद 2002 में MNA जब बने थे तो उसके बाद वो स्विच कर गए थे काफ लीग में। वो स्विच क्यों कर गए थे वो हमें भी याद है, जब यहाँ पर परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने वहाँ से स्विच किया। उस पर हमारे वही इलाके के मफादात थे, सही बात है, तब हुकूमत जो थी काफ लीग की थी, हम पीपल्स पार्टी में थे, तो इस वजह से हमने जो फ्लोर क्रॉसिंग की तो उसमें फिर उसके बदले में हम लिया के लिए स्वी गैस लेकर आए थे, जो हमने वादा किया था लिया के साथ तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया था। सही। अच्छा, उसके बाद फिर आप वाले साहब दोबारा पीपल्स पार्टी में चले गए? जी पीपल्स पार्टी में चले गए, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद दोबारा एक मरतबा PTI में शमूलियत इख्तियार की। PTI में आने की क्या वजह थी? सर हमने जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स देखी है, इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के लिए और हमारे इलाके के लिए आप यकीन करेंगे कि एक फरिश्ता हैं। वो जिस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के वो काम करवा रहे हैं, जिस तरह का उनका VN है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने वाले साहब को फोर्स किया था कि हम PTI में अब स्विच करते हैं, क्योंकि इलाके की जो महरूमियाँ थी वो अब इमरान खान साहब की बदौलत ही दूर हो सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इलाके के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हों। क्योंकि अब आप भी सियासत में आ चुके हैं तो मुस्तकबिल में आपने इलेक्शन लड़ना है, पहले तो ये बता दें कि आपने कौन सी सीट पर लड़ना है इलेक्शन? देखिए जी, MNA या MPA? अपने वाले साहब की सीट पर MNA पर ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। सही। और आपसे ये वादा करता हूँ कि जो मैं अपना जो मिशन ले कर फिर रहा हूँ MNA के कैंडिडेट के लिए, तो मैं अभी से अपनी कैंपेन भी स्टार्ट कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। मैं तकरीबन 2018 के बाद से ही ये अपनी जद्दोजहद जारी मैंने की हुई है और MNA के इलेक्शन के लिए की हुई। अच्छा, कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे आप? भी पार्टी बदल लेंगे या इसी पार्टी से? मैं आपको ये बताऊं कि मैं इंशाल्लाह जिस तरह इमरान खान साहब के VN के साथ हूँ, मैं PTI से ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। सही हो गया। अच्छा, आपका जो इत्तेहाद बना था 2018 के इलेक्शन में, गिलानी जखड़ इत्तेहाद, जो कि काफ़ी कामयाब भी रहा, तो उसमें आपने दोनों सीटें विन की उस इत्तेहाद में, अगले इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में वो इत्तेहाद बरकरार रहेगा या वो इत्तेहाद कोई टूटने का खतरा है उसको? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा इत्तेहाद यही बरकरार रहेगा, जिस तरह से हम पहले एक जो नारा हमारा था जखड़ गिलानी इत्तेहाद, तो इस दफ़ा भी हमारा इंशाल्लाह वही पैनल नहीं रहेगा। कैसे कायम रहेगा? अगर फ़र्ज़ किया जो रफाकत गिलानी साहब हैं आपके इत्तेहाद में, अभी तो वो MPA, आप कह रहे हैं आपने MNA का इलेक्शन लड़ना है, अगर वो भी ये कह दें